अब ये तो आपस में इतना विरोध आभास है, आपने देख रहे होंगे कि उनकी भाभी ही धरना पर बैठी थी। तो अब वो लोग कितना दिनों तक चलेंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग तो चाहते हैं नहीं नहीं तोड़फोड़ हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग तोड़फोड़ पर नहीं विश्वास करते। लेकिन उनके यहाँ जितनी अंतर विरोध है, लोबिन का ही आपने देखा होगा, अखबार में भी आया, विधानसभा में खड़े होकर के किस प्रकार से उन्होंने जीपीसी को लेकर के, दारू को लेकर के उन्होंने सारी बातें किस ढंग से उन्होंने बोला, सबने देखा। तो उनके यहाँ क्या स्थिति है, एक दिन आप देखे यूपीए की मीटिंग में कांग्रेस के विधायक लोग नहीं गए, तो ये साफ तो दिख रहा है। लगता है दो साल में आप धीरे धीरे आपस में उन लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कुछ काम नहीं होगा तो अगले हम लोग कैसे जनता के बीच आएंगे। एक अंतिम सवाल, ये बोल रहे हैं कि मुर्गी बत्तख किसे पालना, आप लोग समय पकौड़ा तलने बोलते थे, ये सब बोलते अगर मुख्यमंत्री बोले मुर्गी और बत्तख लेते इसमें क्या आपत्ति है? देखिए हम लोग कहाँ आपत्ति कर रहे हैं भाई, चुनाव के समय यही बात बोल करके आते ना, और यही बात बोलते तो बड़ी अच्छी बात होती। उस समय तो कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, उस समय तो ये बात नहीं बोला था, इसलिए हम लोग बोलते उस समय तो अगर यही बोलते मुर्गी पालना, भाई मुर्गी पालना तो जब हेमंत सोरेन पैदा भी नहीं लिया था उस समय से हमारे आदिवासी भाई बहने तो मुर्गी है, सुअर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब पालते ही हैं, भेड़ है, सब पालते ही हैं, उसके लिए हेमंत सोरेन का क्या योगदान।